नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। मैं आकाश तिवारी आज आपको बताऊंगा दोस्तों कि पुलिस विभाग में भाई साहब, जैसे अभी इनसे परिचय हो रहा था मेरा, तो भाई साहब बताएंगे कि कैसे इनका पुलिस में आना हुआ और कैसे प्रक्रिया रही, क्या इनका मेडिकल टेस्ट हुआ, कैसे फिजिकल हुआ और कैसे आए, इनकी ट्रेनिंग कैसी रही, ये सारी जानकारी भाई साहब अभी आपको अपनी जुबान से देंगे। जैसा भाई साहब जी, आपको नमस्कार। और भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सोनकर है जी। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला। प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, तो आप पुलिस में कब हुए, थोड़ा अपनी कहानी बताइए आप। आपको जैसा कि बताते हैं कि ये जो वैकेंसी आई थी, भर्ती आई थी, ये 2015 दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था और जनवरी 2016 में इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई जी। तो इसमें भर्ती जो थी मेरिट पर आधारित थी जी। तो उन्हें समय हम तैयारी इलाहाबाद में कर रहे थे, तो सोचा कि एक बार हम इसमें भी मतलब आजमाते हैं, देखते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्म। तो जनवरी में इसका फॉर्म भरा स्टार्ट, फरवरी में इसका मैंने मतलब जनवरी में फॉर्म अप्लाई किया, तो 2 या 3 महीने बाद इसका प्रोसेस शुरू हुआ, कट ऑफ जारी हुआ। तो इसमें फिजिकल मेरा वाराणसी में हुआ था इसका। तो जब हम फिजिकल दे के आए तो उसके एक महीने बाद फिर इसका फिर कट ऑफ जारी हुआ, उसके लिए आपका मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, मतलब मेजरमेंट के लिए हिसाब से नाप तौल हुआ था हमारा, डॉक्यूमेंट चेक हुआ था मिर्जापुर में, दोबारा चेक हुआ जी मिर्जापुर में। दौड़ आपकी बनारस में हुई है, मिर्जापुर में डॉक्यूमेंट चेक? हाँ, डॉक्यूमेंट चेक हुआ जी। तो डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद ये भर्ती फिर हाई कोर्ट में चली गई। उसके बाद काफ़ी संघर्ष लोग इस भर्ती के लिए किए, काफ़ी संघर्ष करने के बाद ये 2018 में हाई कोर्ट ने इसका जो हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया, तो इसके बाद मेडिकल का फिर डेट आई। तो मेरा जो मेडिकल डेट था ये हमारा हुआ था वही मई में हुआ था, मई या जून में हुआ था मेडिकल इसका। तो जून में साधा 18 जून को हुआ था मेडिकल मेरा, प्रतापगढ़ में मेडिकल हुआ 18 जून को। उसके बाद 11 जुलाई को इसकी लिस्ट हमारे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लग गई, किसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, किसको कहाँ जाना है। तो हम भी गए देखे, तो मेरा कानपुर नगर JTC का और ट्रेनिंग सेंटर मिला। तो हम किसी कारणवश 11 तारीख को ना आकर हम 13 तारीख को वहाँ आमद कराए अपनी। तो 13 से 24 तक वहाँ हम JTC में लगे रहे, ट्रेनिंग करते रहे। तो उसके बाद 24 तारीख को ही हमें यहाँ झांसी के लिए भेजा गया। तो झांसी हम 25 तारीख को सुबह झांसी हम पहुँचे, तो देखा तो हमारे लिए वीरान एरिया लगा झांसी पहले, तो क्योंकि हम पहली बार झांसी आए थे और वैसे पहली बार हमने सेंटर देखा और पहली बार सभी को पता है पहली ही ट्रेनिंग हम सब लोग की है जी। तो हम सब लोग यहाँ आए 25 तारीख को, तो हम सब लोग को बाहर फायरिंग वोलिंग कराया गया बढ़िया सुबह, और उसके बाद सबको पहले जिला वाइज रखा गया अलग अलग। आपकी जीरो परेड भी होती है इसमें? हाँ, और सुबह जैसे फॉलिंग कराया गया जी, तो फॉलिंग कराने के बाद फिर हम सब लोग को छोड़ा गया एक बार कि जाओ सब लोग, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट के छोड़ दिया गया जी। फिर उसके बाद हम सब लोग खाना पीना नहीं खाए थे, तो बोला गया कि खाना पीना सब लोग खा लीजिए जी। खाना पीना खाने के बाद फिर क्या कराए, फिर शायद अगले दिन हम सब लोग को सुबह फिर फॉलिंग कराए जी। यहाँ सुबह फॉलिंग कराए और सुबह सबसे पहले ये किए जीरो परेड हमारा कराए जी। पूरा बटालियन हम सब लोग को टहलाया गया, बताया गया कि गैस गोदाम कहाँ है और मोटर ट्रांसपोर्ट का कहाँ पे है और पानी के लिए RO वाला पानी कहाँ मिलेगा, सारी जानकारी हमें दी गई कि हमारे कमांडेंट साहब का बंगला कहाँ है, असिस्टेंट कमांडेंट कहाँ है, डिप्टी कमांडेंट का बंगला कहाँ है, सारी जानकारी दी गई, सारी ऑफिस की जानकारी दी गई। तो हम सब लोग को उसी दिन फिर ग्राउंड में फॉलिंग करके सबको मतलब जाति पाति का भेदभाव को दूर करते हुए सबको एक साथ किया गया कि मतलब हर जाति पाति का व्यक्ति इसमें कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि जैसे पता होना चाहिए पुलिस में केवल आपको एक जाति बताई जाती है, केवल पुलिस जाति, इसमें जाति का कहीं प्रभाव कोई भेदभाव नहीं होता, नहीं डाला जाता ना पड़ता ही है इसमें कोई भेदभाव, ना भेदभाव को ध्यान में ना रखते हुए मतलब किसी को हम किसी प्रकार का भेदभाव ना रहे, इसलिए हर जाति के लोग हर टोली में डाले गए। तो इसमें बताया गया केवल हमारी एक जाति है पुलिस, तो ठीक हम सब लोग को अलग अलग टोलियों में जी। ट्रेनिंग में ऐसे क्या क्या करवाते हैं आपसे? देखो ट्रेनिंग में आप इसमें एक मतलब दो प्रकार के इसमें इंस्ट्रक्टर होते हैं, एक PTI होते हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं जो हमें PT पर फोकस देते हैं जी। जैसे PT में आपका रस्सा चढ़वाते हैं,
दौड़ कराते हैं और पीटी कराते हैं, योगा भी कराते हैं, साथ साथ हमें यूएसी अनआर्म्ड कम्बैट जो होता है उसमें बताते हैं कि कैसे हम दुश्मनों से निपटेंगे, कैसे अच्छी पकड़ बनाएंगे, ये सब हमें उसमें समझाया गया जी। ठीक है, और इसमें मतलब इसमें डिप्स मारना, सिटअप मारना, बिम मारना जिसे चिनअप भी बोलते हैं, ये सब सारी चीजें हमें पीटीआई सर द्वारा हमारे सिखाई गई। उसके बाद आईटीआई में हमें चलना, कैसे हम तेज चाल में, धीम चाल में, दौड़ चाल में कैसे चलेंगे और कैसे हम सारी ड्रिल करेंगे जी, ये सारी चीजें हमें सिखाई गई। और ये भी चीज सिखाई गई कि कैसे हम, कोई अधिकारी हमारे सामने आता है तो उसको हम कौन सा सलूट करेंगे, ठीक, और कैसे जैसे कोई बड़ा अधिकारी आता है हमारा जी, ठीक, जैसे उप महानिरीक्षक आता है तो उसको कैसे हम सलूट करेंगे, हमारे पास अगर राइफल है तो बर्ड सलूट उसके सामने कैसे होगा, कंधे से होगा, कहाँ से होगा, ये सारी चीजें हमको आईटीआई सर द्वारा सिखाई गई जी। ठीक, ये पढ़ाई भी होती है आपकी ट्रेनिंग के दौरान? हाँ, बीच में जैसे हम सब लोग को धाराओं के कि जैसे देखो, हम सब लोग नागरिक पुलिस के हैं जी, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि कहाँ पे हमें कैसी जरूरत पड़ सकती है। ठीक, तो यही सब बारे में बेसिक जानकारी जैसे होती है, धाराएं वगैरह भी आपको, हाँ, कि कैसे मान लो कोई लड़ाई झगड़ा करके आता है तो ये सब मामला हमें सबको हैंडल करना है जी। सबसे पहले हम सब लोग नीचे की सबसे कड़ी हैं, तो सबसे पहले हम ही सब लोग को देखना पड़ता है, ठीक, जाके समझाना पड़ता है, तो ये सब सारी चीजें उसमें बेसिक बताई जाती हैं। और जैसे देखो, धारा विवेचना करना है तो हमारे अपर अधिकारी काम है, मतलब उप निरीक्षक का है, सब इंस्पेक्टर का है, लेकिन हमें भी सिखाई जाती हैं कि जैसे हम सब लोग मुंशी का भी काम कांस्टेबल ही सिपाही करते हैं जी, जी। तो कभी जरूरत पड़ जाती है कि हमें भी लिखना पड़ जाता है, कभी आदेश दे दिया जाता है, तो इसके लिए हमें सब धाराओं का ज्ञान कराया गया, बेसिक पुलिस के बारे में बताया गया, कैसे इसकी जो कमियां हैं इसमें कैसे हमें निपटना चाहिए किसी से, ये सारी चीजें हमें। लास्ट में टेस्ट भी होता है आपका? हाँ, इसमें हमारी परीक्षाएं होती है जो 8 विषय होता है, तो 8 विषयों के 8 दिन हम सब लोग का पेपर हुआ। और कितने परसेंट पासिंग मार्क्स होते हैं इसमें? इसमें 50% होता है, अगर 50% आपने ऑब्टेन किया है तो आप पास है, क्वालिफाइड। और आउटडोर में भी टेस्ट होता है आपके? हाँ, आउटडोर में फिजिकल पूरा कराया जाता है, जैसे प्रोसेस रहता है तो इसमें आपका जैसे शस्त्र प्रशिक्षण होता है, शस्त्र का अलग होता है, ठीक, और फील्ड क्राफ्ट में आपका होता है जैसे आतंकवादी दस्ता, यातायात नियंत्रण, ठीक, जंगल अभियान से होते हैं बातें, ये सारी चीजें आपके फील्ड क्राफ्ट बताई जाती हैं। फिर उसके बाद आपकी पासिंग आउट? हाँ, उसके बाद हम सब लोग को मतलब ये सब पेपर होने के बाद, पेपर के मध्य में भी जब समय मिलता था तो पासिंग परेड की तैयारी हमारी कराई जाती थी, जो हमारी ये पासिंग परेड 24 जनवरी को निर्धारित की गई है, जो 3:30 बजे से हमारी स्टार्ट होगी जी जी। इसमें हमारे मुख्य अतिथि DIG मतलब उप महानिरीक्षक साहब आ रहे बघेल जी हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत बधाई आपको, आप पुलिस विभाग में आए और आपकी पासिंग आउट परेड सफल हो रही है, इस बात की बहुत खुशी है। दर्शकों, आपसे मैं अपील करूंगा इस वीडियो को देखें और सुरेंद्र जी की बात को शेयर करें और लोगों से, और कैसे ट्रेनिंग होती है भाई साहब ने बहुत अच्छे से बताया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको भी लाख लाख बधाई है सर।